नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बारे में, जहां इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच टकराव तेजी से बढ़ रहा है। इजराइल ने हाल ही में बेरूत पर हमला किया और इसके बाद से हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की प्रमुख बातें। 3 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने केंद्रीय बेरूत पर बमबारी की, जिसमें कम से कम 6 लोग मारे गए। यह हमला तब हुआ जब इजरायली सेनाओं ने लेबानानी मोर्चे पर अपने सबसे घातक दिन का सामना किया। हिजबुल्लाह द्वारा किए गए 2 हमलों में इजरायल के 7 सैनिक मारे गए, जिससे हालात और भी तनावपूर्ण हो गए। इजरायल ने 2 अक्टूबर 2024 को गाजा पर भी हवाई हमले किए, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। इस कदम से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया और इजरायल ने यह साफ किया कि यह ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले का जवाब है। ईरान, जो हिजबुल्लाह और गाजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास का समर्थन करता है, ने मंगलवार रात को इजरायल पर मिसाइलें दागी। ये हमले एक विनाशकारी चक्र का हिस्सा है, जो मध्य पूर्व को एक बड़े युद्ध के करीब ले जा रहा है। इजरायल ने ईरान को चेतावनी दी है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे।